नमस्कार, घड़ी में दो बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से और ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया के रिपोर्टर आप तक पहुंचाएंगे पल पल की अपडेट। नीतू नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। चलिए सीधे न्यूज रूम से की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हम सीधे आपको बताएंगे वो तमाम जानकारियां और एक नजर में वो हेडलाइंस भी जान लेते हैं जिस पर विस्तार से करेंगे चर्चा कि आखिर इस एक घंटे के बुलेटिन में कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे न्यूज रूम से और पहली खबर, अतीक की गाड़ी ना पलट जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से प्रयागराज लाने की तैयारी में अतीक अहमद को पुलिस प्रशासन कर रही है, यूपी की पुलिस प्रशासन कर रही है। अपडेट इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। तो चलिए आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी अतीक की गाड़ी ना पलट जाए। इसके बाद हम जिक्र करेंगे कांग्रेस की भी, यानी कि सचिन पायलट के। सचिन पायलट के अनशन से टेंशन आखिर क्यों है, कांग्रेस आलाकमान इस समय हरकत में क्यों है और सचिन पायलट ने कदम क्यों उठाया, ये भी आपको बताएंगे। तो ये दूसरी खबर और चलिए अब नजर डालते तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई तीसरी खबर पर। तेजस्वी से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है और जिस घोटाले को लेकर पूरे परिवार पर तलवार लटकी है, अब ऐसे में आज तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। अपडेट इस बुलेटिन में आगे। तो आज के दिन की चौथी बड़ी खबर आपकी बल्ले बल्ले, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का तमगा इस समय हासिल हो चुका है आम आदमी पार्टी को। इसके बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज के दिन क्या कहा है इस मौके पर, ये भी आपको बताएंगे। तो चौथी खबर के बाद अब जल्दी से नजर डालते पांचवी खबर पर। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आज वायनाड में देखने को मिलेगा, रोड शो की भी तैयारी हो चुकी है, पूरी जानकारी इस बुलेटिन में। तो चलिए आज के दिन की पांचवी बड़ी खबरें जिस पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, यानी कि अतीक पर कार्रवाई को लेकर, साबरमती जेल एक बार फिर से यूपी की पुलिस पहुंच चुकी है और अतीक अहमद को लाने की पूरी तैयारी है, यानी कि एक बार फिर से यूपी में उसी तरह की हलचल दिखाई देगी जो आपने पहले देखी है। अतीक अहमद की बात करें तो जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद इस समय एक बार फिर से अब घिर चुका है। हालांकि उम्र कैद की सजा तो हो गई है, लेकिन फिर भी अतीक अहमद की मुश्किलें अब कम नहीं होने वाली है। आने वाले दिनों में और भी जो अतीक के साथी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह से अतीक अहमद को लेने के लिए वहां पर यूपी की टीमें पहुंची हैं और इस समय कार्रवाई लगातार जारी है, यानी कि दस्तावेज के काम अभी वहां पर किए जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उमेश पाल मर्डर केस में कई ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी फरार हैं, यूपी की पुलिस तलाश करने में लगी है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। अतीक अहमद को एक बार फिर से यूपी लाने की अब तैयारी है, जैसा कि हमने और नीतू ने जिक्र किया कि वहां पर यूपी पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं, कागजी कार्यवाही फिलहाल की जा रही है। वहीं वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस अब लेकर आएगी। प्रयागराज में पहले की तरह इस समय सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी है और पूरा प्रयागराज छावनी में तब्दील है। वही उमेश पाल मर्डर केस में यूपी लाने की तैयारी है, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस में अभी आगे और शिकंजा कसा जा सकता है और लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस बार अतीक की गाड़ी पलट जाए, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हो चुका है। आपने देखा होगा विकास दुबे मामले में प्रयागराज की MPML कोर्ट में अतीक की पेशी हुई थी, इसके बाद लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बात हम करें आज के दिन की तस्वीरों को लेकर, देखिए किस तरह से तैयारी यहां पर, ये यूपी पुलिस जब पहुंची साबरमती जेल अतीक को लाने के लिए। बिल्कुल, तो बी वारंट जारी किया गया है अतीक अहमद के खिलाफ और ऐसे में इस बार जब प्रशासन वहां पहुंची है तो देखिए ये बॉडी कैमरा लगाया गया है, ये बॉडी कैमरा लगाया गया है क्योंकि अब मॉनिटरिंग होगी अतीक अहमद जिस रास्ते से गुजरेगा और जिस वो प्रिजन वैन में वो रहेगा वो पूरी मॉनिटरिंग होगी और उसे कैमरे में कैद किया जाएगा। नीरज मिश्रा इस वक्त में सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नीरज, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है यूपी की वो बॉडी कैमरा लेकर अब नजर आ रही है, ऐसा करने की जरूरत इस बार क्यों, क्योंकि इससे पहले तो हमने नहीं देखा था और अब इस बार करने के पीछे की मंशा क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर से प्रयागराज लाने की जो तैयारी है वो पूरी करके पहुंची है प्रयागराज पुलिस। वहां पर उसको बी वारंट उसका कटा हुआ है और वहां पर उसको तामील कराया जाएगा और उसके बाद अतीक अहमद को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। जो तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं
यानी कि जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, बॉडी कैमरे। इसको इसलिए लगाया गया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई चूक ना हो। और जैसा कि अतीक अहमद या उसके भाई अशरफ ने कहा है कि हमें डर है कि कहीं कोई रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए, यानी उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं, तो उसके लिए एक एक चीज, एक एक पल रिकॉर्ड होगा। इसके लिए जो तमाम कैमरे, बॉडी कैमरे लगाए गए हैं, उसको सुरक्षा के लिहाज से कि जिस तरह से पहले सुरक्षित उसको प्रयागराज लाया गया था और सुरक्षित ही वापस साबरमती जेल भेजा गया था, तो पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है कि कहीं किसी तरह की कोई। लेकिन मेरे कई ऐसे भी साथी हैं अतीक के, उमेश पाल मर्डर केस में कई ऐसे बड़े आरोपी हैं जो अभी भी फरार हैं। यूपी पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है पिछले महीनों भर से, उनकी तलाश अभी नहीं हो पाई। क्या उस पर पर्दा डालने के लिए अतीक पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है ताकि जनता को लगे और अधिकारियों को लगे, लोगों को ये दिखाया जा सके कि हाँ शिकंजा कसे में लगे हैं? नीरज, देखिए उमेश पाल मर्डर के जो भी हत्यारे सीसीटीवी में दिख रहे हैं, जो मुख्य हत्यारे हैं, वो अभी तक फरार हैं। सिर्फ उस्मान नाम का एक जो शूटर था वो मारा गया है, बाकी सब कहाँ हैं किसी को पता नहीं। और अतीक अहमद की जो बहन है उसके घर पर जो गुड्डू मुस्लिम जो कि बम चलाता हुआ दिख रहा है, उसका स्वागत होते हुए वहां पर वीडियो आया सीसीटीवी कैमरे में, वो कैद हुआ, उसे पैसा दिया गया। यानी अतीक अहमद का पूरा परिवार इस पूरे हत्याकांड के पीछे था, ये बात अब सार्वजनिक हो गई है, साफ हो गई है और सीसीटीवी फुटेज भी इसकी पुष्टि कर दी है। और इन सब का जो मास्टरमाइंड था वो अतीक अहमद है, ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई। तो इसीलिए उमेश पाल मर्डर के हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था, इसके लिए अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा और उससे पूछताछ की पुलिस कस्टडी रिमांड भी प्रयागराज में दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा और हाँ। पुलिस की प्लानिंग है, कार्रवाई जारी है। नीरज आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास। लेकिन जिस अतीक को एक बार फिर से प्रयागराज लाने की तैयारी हो रही है, अब ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अतीक अहमद की आतंकी कहानी क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अतीक की आतंकी कहानी देखिए, उत्तर प्रदेश का माफिया है अतीक अहमद, बाहुबली इसे कहा जाता था, लेकिन अब ये माफिया जो है वो कमजोर हो चुका है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सागर, देखिए 1989 से 96 तक तो निर्दलीय विधायक रहा अतीक, और कई बार तो जेल में रहते रहते चुनाव जीत गया, ये इसका दबदबा हुआ करता था प्रयागराज में, पूरे यूपी में। नीतू, 5 बार विधायक रहा, 1 बार फूलपुर से सांसद ये रहा है। और देखिए इसकी दबंगई, जब वो विधायक रहा चाहे सांसद रहा, दबंगई इसकी जोरों पर उस वक्त थी। 1996 की बात करें तो समाजवादी पार्टी से विधायक बना अतीक अहमद। देखिए वहीं आगे अगर बात करें इसके आतंकी कहानी की, तो 17 साल की उम्र में हत्या का पहला आरोप लगा अतीक अहमद पर। जिस उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, अतीक ने 17 साल की उम्र में हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया था। नीतू, बिल्कुल। और माननीय बनने के बाद विरोधियों को चुन चुन कर इसने मारा है, जो भी इसके खिलाफ मैदान में उतरा, चुनावी मैदान में इसने हर किसी को धराशायी कर दिया। और इसके साथ ही साथ अतीक के ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या की है, तो ये तमाम आरोप जो है वो अतीक अहमद पर लगे हैं। और अब ऐसे में 2004 में बीजेपी नेता अशरफ की भी इसने हत्या की है। नीरज लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हैं, कहानी तो हमने जान ली नीरज की, देखिए किस तरह से 17 साल की उम्र से लेकर अब तक इसने क्या क्या कारनामा किया है। लेकिन अब यूपी सरकार इस पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। जब इसे प्रयागराज लाया जाएगा, कोर्ट में पेशी होगी नीरज, तो वो कौन सी तारीख होगी जब इसकी पेशी होगी, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए अतीक अहमद को लगभग ये कहा जा रहा है कि 2 दिन के अंदर, यानी आज अगर निकलती है पुलिस तो कल पहुंच जाएगी, और अगर कल निकलती है तो परसों पहुंच जाएगी। कल या परसों के बीच में अतीक अहमद को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जाएगा और वही जगह होगी, वही नैनी जेल होगा जहां वो रात बिताएगा। उसके बाद सुबह उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी। अगर अतीक के आप 40 के 42 साल से ज्यादा पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखें तो अतीक अहमद आदतन अपराधी की श्रेणी में आता है। न केवल वो खुद, उसने पूरे परिवार को लगा दिया है अपने जरायम के इस कारोबार को संभालने के लिए, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसके जीजा हो, परिवार का हर एक सदस्य अलग अलग कहानियां गढ़ता है और तमाम अपराध करता है, और सबके नाम इस बार सामने आए हैं जो कि बचे हुए थे। इस बार जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के, लेकिन मेरा जो यूपी लाने के बाद अतीक को प्रक्रिया आगे की क्या होगी, क्योंकि साबरमती जेल से अगर लाया जा रहा है तो कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि यूपी लाकर पुलिस करेगी क्या, कोर्ट कार्रवाई क्या होगी इस दौरान?
देखिए अतीक अहमद पे तमाम मामले दर्ज है जिसमें वो 120 बी का मुलजिम है, यानी कि साजिश रचने का आरोप है। मुख्य साजिश करता है उमेश पाल हत्याकांड का अतीक अहमद है। ये बात पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई और तमाम सीसीटीवी फुटेज ने इस बात को साबित किया है कि जितने भी हत्यारे शूटर दिख रहे हैं वो सब अतीक अहमद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उसके परिवार के साथ के लोग उसके साथ दिखे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में 120 बी का मुलजिम है, यानी पूरा षड्यंत्र का ताना बाना उमेश पाल हत्याकांड में किसी ने रचा था, तो वो है माफिया अतीक अहमद। और इसीलिए उससे पूछताछ के लिए जो तमाम शूटर्स फरार हैं वो कहां गए हैं, किस तरह से प्लानिंग से उन्हें भगाया गया है। देखिए अतीक अहमद के जो पुराने अधिकारी हैं, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, वो बताते हैं कि हत्या या कोई भी अपराध करने से पहले वो बचने का प्लान भी तैयार करता है और इसीलिए हत्या के बाद जो मुख्य शूटर है वो कहीं नहीं मिले, यानी कि अतीक अहमद ने उन्हें सेफ पैसेज उपलब्ध कराया। जैसा कि सीसीटीवी में सामने आया कि जो गुलाम है और जो गुड्डू बमबाज है वो किस तरह से उनके सिस्टर के घर जाता है, वहां पर देखने वाली बात ये है कि इस बार किस तरह से प्रयागराज में एंट्री होती है अतीक अहमद की। बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए अतीक अहमद को लाने की जो तैयारी है एक बार फिर से शुरू हो गई। इससे पहले तो कई मीडिया कर्मी और उनकी गाड़ियां जो है अतीक अहमद का पीछा करते हुए नजर आ रही थी कि बीच में कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन इस बार की जो तैयारियां हैं वो और ज्यादा सख्त कर दी गई है।